तो दोस्तों अगले साल तक पूरी तरह से बदल जाएगी NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की तस्वीर। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब यहाँ पर एक काफी अच्छी खबर निकल कर आ रही है फ्रेंड। नेक्स्ट ईयर 2022 में 95% तक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की जो रेल लाइन है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन कम्प्लीटली कर दिया जाएगा। यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के जो जनरल मैनेजर है विनय कुमार त्रिपाठी जी थे, उन्होंने यहाँ पे क्लियरली बताया है हमारी इंडिया में रेल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन का काम काफी तेजी से चल रहा है। फ्रेंड्स 2020-21 में इंडियन रेलवे ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिसमें हमारी इंडियन रेलवे ने दूसरा स्थान हासिल किया था रेल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन में। यहाँ पर हमारी इंडियन रेलवे ने 561.36 रूट किलोमीटर तक इलेक्ट्रिफिकेशन किया था, जिस पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और अब यहां पर हमारी भारतीय रेलवे अगले साल तक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का 95% तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरी तरह से कंप्लीट कर देगी। वैसे मैंने अपनी वीडियो में कई बार बताया है हमारे रेलवे बोर्ड का टारगेट है 2023 तक फुल्ली इलेक्ट्रिफिकेशन करने का, तो वो अब होते नजर आ रहा है। और यहाँ पर किसी भी तरह की मेजर रेलवे लाइन हो या लंबी रेलवे लाइन हो, उन सभी लाइनों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड कर दिया जाएगा। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी, जो लखनऊ डिवीजन है वहाँ पर आनंद नगर नौतनवा रूट तक इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो पूरा हो चुका है, और हो सकता है नेक्स्ट मंथ अगस्त में यहाँ की रेलवे लाइन पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से ट्रेनें चलने लगे। और साथ ही यहाँ पर आनंद नगर बरनी गोंडा रूट पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम काफी तेजी से चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारे ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमारे रेल ट्रैक्स को उस लायक और भी मजबूत बनाया जा रहा है, जिससे हमारी ट्रेनों की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाए। रेलवे ट्रैक्स को तो मजबूत बनाया ही जा रहा है, साथ ही में जो हमारे रेलवे के सिग्नल है इन सिग्नलिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडियन रेलवे ने स्टेशनों पर डबल डिस्टेंस सिग्नल को लगाए जा रहे हैं, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे रूट पर ट्रेनों को 110-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सके। सो फ्रेंड्स, हमारी भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ रेलवे ट्रैक्स को भी अपग्रेड कर रही है, साथ ही में सिग्नलिंग सिस्टम को और भी ज्यादा बेहतर बना रही है, जिससे ट्रेनों की स्पीड को और भी बढ़ाया जा सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।